दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट और सभी का स्वागत है। हम परसेंटेज इससे पहले चार वीडियो हम बताए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा मददगार आपकी होगी। आप कोई भी बुक बनाते हैं, चाहे राकेश यादव की बुक बनाते हैं, चाहे आर एस अग्रवाल कोई भी बुक बनाते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे और इजी वे में कैसे हल करना है ये हमने आपको बताया। और कल जैसे हमने बताया कि आज क्वेश्चन कुछ हम ट्विस्ट लाएंगे, कुछ अलग चीज़ लाएंगे, वह हम आपको बताने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए और हम आपको बताते हैं फिर उसको करना कैसे है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, है ना दोस्तों। तो क्या है, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके खपत में हम कितने परसेंट की कम करें ताकि हमारा जो खर्च है वह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब चीनी का मूल्य बढ़ गया तो खपत को कम करेंगे तभी तो हमारा जो खर्च होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, पहले आप 1 kg चीनी लाते थे आप अपने परिवार के लिए, तो मान लीजिए कि 60 रुपया में आप लाते थे, अब चीनी का दाम बढ़ करके मान लीजिए 70 रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो 1 kg पहले जो चीनी लाते थे 60 रुपया में, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 70। तो आपकी जो खपत है जब तक आप उसको कम नहीं करेंगे तो क्या आपका खर्च बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको इसी टाइप का क्वेश्चन हम दिखाते हैं। आपको भी पता है कि अगर प्राइस यानी जितना चीनी का मूल्य है अगर हम उसको कंजप्शन के साथ, यानी कंजप्शन मतलब खपत के साथ है, अगर हम गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, एक्सपेंसिव मिलता है, मतलब खर्च मिलती है। मतलब क्या हुआ कि प्राइस को अगर हम कंजप्शन के साथ गुना कर दें तो हमें क्या मिलेगी, एक्सपेंसिव मिलेगी। अब दिमाग ध्यान से देखिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपने 15 रुपये kg चावल खरीदा, ठीक है, 15 रुपये kg चावल है ना, या चीनी जो भी है, आपने 5 kg खरीदा तो आपका खर्च कितना हुआ दोस्तों, 75 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम देहाती भाषा में कहें, अपने लैंग्वेज में कहें, तो जितना हम 1000 रुपये kg चावल खरीदते थे या चीनी खरीदते थे, अगर उसको ये अगर बढ़ गया, अगर इसको हमने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक जब तक ये कम नहीं होगा तब तक हमारा जो खर्च है वो 75 रुपया नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। अब इसके बाद हम दिखाते हैं कि अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 20% बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/5। कल भी हमने बताया और उससे पहला वीडियो भी हमने बताया, अगर नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए पहले 5 रुपये अगर आप चीनी खरीदते थे तो 20% वृद्धि के बाद यानी 5 में कितने रुपये की वृद्धि हो गई, 1 रुपये, तो आप चीनी कितना रुपये खरीदेंगे, 6 रुपये। पहले 5 रुपये खरीदते थे तो आप कितना खरीदेंगे, 6 रुपये। अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये बढ़ गया है तो इसको ऑटोमेटिक क्या होना होगा, कम होना होगा। तो जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये क्या होगी, कम होगी। तो अगर ये 5 से 6 हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि कंजप्शन जो हमारा है वह 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर 5 से 6 ये हुआ कौन मूल्य हुआ है तो कंजप्शन यानी हमारी जो खपत है, हम जितना खाते हैं वह ऑटोमेटिक क्या होगा, उसी अनुपात में कम होगी। तो अगर ये 5 से 6 हुआ है तो ये क्या होगा, 6 से 5 होगा। तो अगर 6 से 5 हुआ तो कितना हमने कम किया, 1 कम किया, कितने में हमने कम किया, 6 में 1 × 100। अब सिंपल फंडा ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये 5 से 6 हुआ तो ये 6 से क्या हुआ 5 हुआ, तो हमने क्या किया, कम लिखा ऊपर में क्या लिखा, कम, यकीन कम हुआ, तो नीचे क्या देना होगा, ज़्यादा। कल बताए थे हमने कि अगर ऊपर हम कम लिखेंगे नीचे ज़्यादा देना होगा। अब इसको दोस्तों काटिए, ये 3 बेर में कट गया, ये 50 बेर में, यानी कितना हो गया, 50/3% की खपत में क्या करनी होगी, कम करनी होगी, तब जा करके हमारा जो खर्च है वो बराबर रहेगा। अब देखिए दोस्तों इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अगर मान लीजिए ये इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी कम कर दिया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अलग तरीका है ना। अब इसी में आपको आएगा एरिया वाले क्वेश्चन कि आयत की लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दिए, या चौड़ाई को कितना कम कर दे ताकि हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या रहे, एक फिक्स रूप से रहे, है ना दोस्तों। तो ये सेम इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आपको आएगा।
तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको इस प्रकार से कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन सेम है, उसमें प्राइस दिया हुआ था तो कंजप्शन पूछ रहा था। इस बार हमने प्राइस भी दिया, कंजप्शन भी दिया और हमने आपसे एक्सपेंसिव पूछा, मतलब मूल्य भी दिए हैं, जितना आप खपत कर रहे हैं वो भी दिए हैं, और हम आपसे पूछे खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पे क्या है एक बार समझ लेते, समझ में आ जाएगी। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण एक परिवार जो है खपत में 20% की कमी कर देता है, तो बताइए उसे खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी तुरंत हमने आपको बताया अगर हम प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेंसिव निकल जाएगा, अभी तुरंत हमने आपको बताया। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रही है, घट रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा इस पर। अब दूसरी बात क्या है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना किए तब हमें एक्सपेंसिव मिला, तो अगर प्राइस कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, 25%, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4। कंजप्शन कितना हो रहा है, 20%, यानी क्या हुआ, 1/5। इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आप 4 रुपये खरीदते थे तो अब कितना रुपया खरीद रहे हैं, 5 रुपये, है ना। अब इसका कंजप्शन का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर 5 kg आप खरीद रहे थे तो आप कितना खरीद रहेंगे, 4 kg। इसका मतलब तो यही हुआ दोस्तों, पहले फिर से समझिए, प्राइस बढ़ गया मतलब पहले अगर 4 रुपये kg खरीदते तो आप कितना रुपये केजी खरीदेंगे, 5 रुपये। पहले अगर आप 5 kg खरीदते तो आप कितना खरीदेंगे, 4 kg। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, तो प्राइस को हम गुना करेंगे कंजप्शन से तभी तो हमारा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो अगर 5 × 4 कितना हो गया दोस्तों, 20, 5 × 4 = 20। अब देखिए पहले भी हमारा 20 ही रुपया खर्च हो रहा था और अब भी कितना रुपया खर्च हो रहा है, 20 ही रुपया खर्च रहा है, तो क्या इसके एक्सपेंसिव में, इसके खर्च में कोई वृद्धि हुई, तो नहीं दोस्तों, तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि 0% की क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब ना को ना ही उसके एक्सपेंसिव, यानी उसके। देखिए दोस्तों अब इस कुछ भी टाइप का आपको दे दे क्वेश्चन, तो बस आपको समझ में आनी है क्या, तब आप आसानी से बना सकते हैं। अगर यहां से कंजप्शन दे दिया तो एक्सपेंसिव बटे ये कर देंगे, यहां गुना किया यहां भागा कर देंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के, एक्सपेंसिव दिया हो, प्राइस दिया हो, तो कंजप्शन कैसे निकालेंगे, बस आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण खर्च में 30% की वृद्धि हुई, तो खपत पे क्या प्रभाव पड़े। इस बार हमने आपसे खपत पूछा है दोस्तों, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंसिव। तो हमको यहाँ से क्या चाहिए, खपत कंजप्शन चाहिए, यानी कितना हमने खपत किया, या कि हमने खपत में क्या वृद्धि किया या कम किया, है ना। तो अगर यहाँ से सी चाहिए तो हमको क्या निकालना होगा, E/P, यही नहीं निकल तभी तो कंजप्शन निकलेगी। तो चलिए दोस्तों पहले ई को देख लेते हैं, ई क्या है, यानी कि इसके ई में 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा, 3/10। और प्राइस में क्या हुआ है दोस्तों, 25% की वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुआ, 1/4, यही ना हुआ। तो अब देखिए ऊपर में ई है तो पहले ई लिख लेंगे, अब वृद्धि हुई है तो पहले आप 10 रुपया खर्च करते थे, अब 3 टका एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेगा, मतलब आप 13 रुपया खर्च करेंगे, है ना। पहले 4 रुपये मिलता था, अब कितना रुपये मिलेगा दोस्तों, 5 रुपये। अब चूंकि यहां भागा है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल सी दोस्तों, इसको अनुपातिक मेथड से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये 4 इधर गुना हो जाएगा, तो 10 × 5 कितना हो गया, 50, 13 × 4 = 68। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि ये 5 क्या होगा, बट्टे में है चुकी, तो बट्टे में तो ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी दोस्तों 13 × 4 कितना हो गया, 52, है ना, मिस्टेक था दोस्तों। तो ये 10 × 5 = 50 हो गया, 13 × 4 कितना हो गया, 52 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप 50 kg चावल खरीदते थे तो अब कितना खरीदना होगा, 52 kg। तो हमने पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की, तो इसका मतलब कि वृद्धि कितना का हुआ दोस्तों, 2 का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, पहले 50 था अब कितना हो गया, 52। तो वृद्धि कितने का हुआ, 2 की। अगर वृद्धि किसमें हुआ दोस्तों, 50 × 100, है ना। अब इसका भी वही ट्रिक है दोस्तों, ऊपर में वृद्धि है तो नीचे क्या देंगे, कम, तो ये दोनों में कम कौन है दोस्तों, 50 ही तो कम है, तो 50 दे दिए बटे में। अब इसको काट दीजिए, 50 × 100 = 2 × 2 = 4 % की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई, किसमें, खपत।
तब जाकर के उसका एक्सपेंसिव यानी खर्च जो है वह 30% की वृद्धि में। अब दोस्तों अगर इस टाइप कोई भी सवाल आपको आ जाए तो आप कभी भी डरिए नहीं, सिंपल वे में बनाइए और आपको एक बार समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला एक सवाल क्या है। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्राइस कंजम्पशन वाले पिछले वाले क्वेश्चन पे भी बना सकते हैं, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर हम बता रहे हैं इसको बनाने का तरीका, वही सेम तरीका मेरा एक ही तरीका होता है दोस्तों परसेंटेज बनाने का, है ना, जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों एक संख्या में पहले 20% बढ़ाएगा, फिर उसमें कितना प्रतिशत कम की जाएगी पुरानी संख्या प्राप्त हो जाए। अब सिंपल है दोस्तों, अगर हम 20% बढ़ाएंगे मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी पहले अगर 5 था तो 5 में एक वृद्धि हुआ कितना हो गया 6, पहले 5 था तब क्या हो गया 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत की कम किया जाए ताकि ये फिर से पुनः 5 हो जाए। तो याद कीजिए जब परसेंटेज का हम इस टाइप क्वेश्चन बताए थे आपको हम, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना कम हुआ दोस्तों, 1 किसमें कम किए 6 में गुने 100। सिंपल, वैसे भी यहाँ ऊपर में क्या लिखे हैं कम, तो नीचे क्या लिखेंगे ज़्यादा, तो दोनों में ज़्यादा कौन है 6। अब इसको काट दीजिए दोस्तों 3, ये हो गया 50, यानी कितना हो गया दोस्तों 50/3%। अगर इसको हम कम करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि वह पुरानी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। अब इसमें आप दोस्तों चाहे आपको आयत वाला क्वेश्चन दे दे, चाहे वर्ग वाला क्वेश्चन दे दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन देंगे तो आपको इसी तरीके से आना जाकर के आप कैलकुलेशन देंगे आप। दूसरी बात, आपको समय भी कम लगेगा, तो एसएससी का जो मैथमेटिक्स होता है दोस्तों इसी टाइप का होता है, उसको पता है, बना तो बच्चा जरूर देगा लेकिन कम समय में कौन बनाता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप रेलवे का एनटीपीसी के एग्जाम दिए हैं, सेकंड फेज भी आ रही है दोस्तों, इसलिए कमर कस लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि इस सारे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आज इतना ही, कल क्या मिलने वाला है यही आयत वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अगर लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दे घटा दे क्या कुछ भी कर दे तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, अगर क्षेत्रफल को बढ़ा दिए तो आयत को कम करे कि लंबाई को कम करे या चौड़ाई को कम करे, ये सारे इस टाइप के जो उलझुल वाले क्वेश्चन होते हैं सब देखिएगा दोस्तों इसी टाइप से हम बनाएंगे और कोई दूसरा टाइप नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने इस तरह के जो भी सीरीज ला रहे हैं आप जरूर देखिए, पुराने वीडियो भी देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगी और पूरा अंत तक देखिएगा तब जाकर आपको समझ में आएगी क्वेश्चन दोस्तों, है। तो दोस्तों आज के लिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।